हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ 20 मिनट सीरीज जिसमें हम बात करेंगे अबाउट इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। इसके रिस्पेक्ट में न्यूज आर्टिकल आया था ऑन 4 अक्टूबर, तब मैंने आपसे कहा था दिस इज अ लेंथी टॉपिक, हमें इसके लिए सेपरेटली 20 मिनट्स का डिस्कशन करना होगा। शुड इलेक्शन कमीशन एंश्योर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज? नाउ फर्स्ट थिंग इज रिमेंबर कि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिसमें ये कंपेल कर सके पार्टीज को कि आपको इंटरनल इलेक्शन कराने ही होंगे फॉर योर ऑफिस बियरर्स। ओके, आरपीए एक्ट कुछ अथॉरिटी देता है जिसमें ये अकाउंटेबिलिटी रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज को बताना पड़ता है कि उनके यहाँ पर लीडरशिप चेंज हो रहा है या इस तरह की बातें, बट एज सच कोई लॉ नहीं है। हालांकि इसने इसके रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग प्रोविजन मांगे थे लॉ मिनिस्ट्री से एंड डिमांड किया था कि अगर यहाँ पर इंटरनल डेमोक्रेसी फॉलो नहीं की जाती किसी पार्टी में तो गिव अस दी पावर टू डी रजिस्टर दीज पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। जैसे हमने नेहरू जी का टाइम देखा, सिंगल लीडर, करिस्मेटिक लीडर, पूरा पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने डोमिनेट किया। इंदिरा जी के टाइम भी सेम चीज देखी और आज भी हम लोग वही देख रहे हैं, मोदी एंड शाह दो लीडर पूरी पार्टी को डोमिनेट करते हैं। यानी कि जो और हजारों करोड़ों मेंबर्स हैं जो पार्टी से जुड़े हुए, इनके पास कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है यहाँ पॉलिटिकल पार्टी की फंक्शनिंग में कि आखिर ये किस तरीके से डिसीजन लिए जा रहे हैं और किस बेसिस पर लिए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब 4 लेबर कोड लाने की बात की मोदी सरकार ने, तब उसके खुद के भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने पूछा कि ये गलत है, इससे लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होगा, राइट। उसी तरीके से जब फार्म लॉस लाए गए, तब भी जो किसान मोर्चा है भाजपा का ही एक विंग, उसने भी इसका प्रोटेस्ट किया, राइट। लेकिन ये प्रोटेस्ट उन्हें बाहर करने पड़े, दैट मीन्स कि जब ये सब लॉस बनाए जा रहे थे तब इनको कंसल्ट नहीं किया गया, ओके, उन्हें स्टेक होल्डर नहीं बना के रखा गया। इसीलिए ऊपर बैठी हुई लीडरशिप के लिए भी विद इन दी पार्टी इलेक्शन होना जरूरी है और उसी को हम कहते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी। जैसे अमेरिका में होता है, जब बाइडेन दोबारा चुनाव कंटेस्ट करना चाहते थे तो अंदर वोटिंग कराई गई कि आखिर कितने लोग फेवर में हैं कि ये हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बने, ठीक है। फिर जब उन्हें लगा कि वो नहीं बन सकते या पार्टी में अंदर के लोगों का प्रेशर आ रहा है उनके अगेंस्ट, तो उन्होंने खुद से ड्रॉप आउट कर लिया एंड कमला हैरिस को नॉमिनेट किया गया। तो वहां अमेरिका में होता है जहां पर प्रॉपर इंटरनल इलेक्शन कराए जाते हैं फॉर ऑल द ऑफिस बियरर्स, जबकि यहां इंडिया में ऐसा नहीं होता, चाहे आप किसी भी पार्टी का देख लीजिए। और एक और प्रॉब्लम यह है कि कुछ पार्टीज ने लाइफ टाइम के लिए ही अपने पार्टी प्रेसिडेंट बना रखे हैं, जैसे मायावती जी हैं, ठीक है, या एमके स्टालिन जी हैं, या फिर शिवसेना है। ये जो रीजनल पार्टीज है इनमें तो आप यही मान लीजिए कि पूरी तरीके से लाइफ टाइम का ही प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाता है। तो इन सब चीजों के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ने कई बार वॉइस रेज किए, बट इसमें कभी कोई लॉ बनाया नहीं किसी भी लॉ मिनिस्ट्री ने, ना ही जो आज प्रेसिडेंट में बैठे हैं, ना ही जो पहले थे। ओके, सो हाउ वुड यू डिफाइन दिस इंटरनल डेमोक्रेसी? इट इज द प्रोसेस एंड मैकेनिज्म बाय विच पार्टी मेंबर्स पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप सिलेक्शन। ओके, तो पार्टी जो भी डिसीजन ले रही है, जो भी स्टैंड ले रही है किसी भी मैटर पे, या उनके यहाँ पर जो लीडरशिप इलेक्ट की जा रही है, सपोज पार्टी प्रेसिडेंट या पार्टी जनरल सेक्रेटरी, तो उनकी इलेक्शन में पार्टिसिपेशन होना चाहिए पार्टी के सभी मेंबर्स का, उसी को हम कहते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी। इट इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम जस्ट लाइक यूएसए, एंश्योरिंग दैट पार्टी रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स एंड इज अकाउंटेबल टू देम। ये दोनों चीज जरूरी है। जैसे बीजेपी क्लेम करती है हमारे पास 11 करोड़ लोग हमारे उस पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो अगर इतने लोग जुड़े हैं तो क्या आप उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, या क्या आप अकाउंटेबल हो उनके सामने? ये दोनों चीजें इंश्योर करना जरूरी है। अब जरा हम की कंपोनेंट्स पे एक नजर डाल लेते हैं, आखिर कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी के। फर्स्ट थिंग इज ओपन मेंबरशिप, तो ये तो हर पार्टी में होती है, एनी वन कैन ज्वाइन हु मीट्स द क्राइटेरिया इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, सिटीजनशिप या कुछ भी, ठीक है, पार्टी मेंबर कोई भी बन सकता है। Regular election for party leadership positions such as party president or leader ensure that members have a say in who represents them. अब it's not like कि नड्डा जी को बना दिया गया बीजेपी का पार्टी प्रेसिडेंट तो क्या वो रिप्रेजेंट कर रहे थे सभी मेंबर्स को, क्या मेंबर्स इलेक्ट किया था? नहीं, ऊपर पार्टी में जो दो लोग बैठे हैं मोदी जी एंड शाह, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हाँ ये हमारे पार्टी प्रेसिडेंट होंगे। कांग्रेस ने इलेक्शन कराया मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, लेकिन वो भी उतना फेयर नहीं था क्योंकि गांधी परिवार ने कहीं ना कहीं सीधा सीधा कह दिया था ही इज आर कैंडिडेट मल्लिकार्जुन खड़गे, तो शशि थरूर थे ऑपोजिशन में अगेंस्ट में जो फाइट कर रहे थे इनके, बट वो हार गए बुरी तरीके से। ओके, तो सिर्फ शो ऑफ के लिए इलेक्शन ना हो, फ्री एंड फेयर होने चाहिए जहां पर मेंबर्स लिटरली इलेक्ट कर सकें कि कौन है जो हमारी पार्टी को आगे ले जा सकता है। एंड ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस कैन बिलीव कि शशि थरूर वॉज अ बेटर कैंडिडेट देन मल्लिकार्जुन खड़गे।
इंटरनल पार्टी इलेक्शन, मेंबर शुड हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन इंटरनल पार्टी इलेक्शंस फॉर वेरियस पोजीशन फ्रॉम लोकल टू नेशनल लेवल। अब चाहे आप जिला लेवल की बात कर लो, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल, क्या हर एक मेंबर के पास वो राइट है टू पार्टिसिपेट? नहीं है एग्जैक्टली, इंडिया में तो बिल्कुल नहीं है। पार्टी कन्वेंशंस, क्या पार्टी इस तरह के कन्वेंशन ऑर्गेनाइज कर रही है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आती है जहां पे मेंबर कैन फ्रीली डिस्कस पार्टी पॉलिसीज, इलेक्ट देयर मेंबर एंड रेटिफाई डिसीजन? अब आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कीजिए, उस टाइम की प्री 1947, हर साल इनके कन्वेंशन होते थे दिसंबर के मंथ में, ठीक है, वहां पे सभी लोग मिलते थे, पार्टी मेंबर्स अपनी बातें सामने रखते थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, बट इस तरह की चीजें आज नहीं होती है। अगर होती भी है ये कन्वेंशन, तो हर पार्टी की कुछ एक प्रॉपर एलिट सेक्शन होते हैं, वही वहां बैठ जाते हैं, वही डिसाइड कर लेते हैं कि पॉलिसीज क्या होंगी, लीडर्स कौन होंगे, और उसे डिसीजन को रेटिफाई कर देते हैं। बट जो एक कॉमन मैन है, जो पार्टी के मेंबर्स हैं, उनका उसमें कोई रोल होता नहीं है। फ्री एक्सप्रेशन, मेंबर शुड हैव राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड डिसेंट, इवन डिसेंट विद इन द पार्टी विदाउट फियर ऑफ रेप्राइजल, बट इस तरह की चीजें होती नहीं है। जहां आपने डिसेंट एक्सप्रेस करा, ठीक है, अगर आप कह दें कि छत्तीसगढ़ में हमारे या उड़ीसा में हमारे ट्राइबल्स की जमीन ज्यादा ली जा रही है, कुछ नहीं होगा, पार्टी का रिप्रेजल आपको फेस करना पड़ेगा, या तो आप पार्टी से निकाल दी जाओगे या आपको टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, सो डिसेंट एक्सप्रेस करने की का स्कोप आज शायद कोई भी पार्टी नहीं देती। फेयर कॉम्पिटिशन, इंटरनल पार्टी इलेक्शन शुड एंश्योर फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल कैंडिडेट, बट इस तरह की चीजें हुई नहीं। जैसा कि हमने कांग्रेस के इलेक्शन में देखा, उतना फेयर कॉम्पिटिशन था ही नहीं, वो ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड था। अकाउंटेबिलिटी, पार्टी लीडर शुड बी अकाउंटेबल टू पार्टी मेंबरशिप एंड सब्जेक्ट टू इंटरनल डिसिप्लिनरी प्रोसीजर इफ दे वायलेट पार्टी रूल्स और प्रिंसिपल्स। अगर लीडरशिप भी कोई पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन या पार्टी के रूल्स को वायलेट कर रही है, तो फिर उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, पार्टी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुड बी ट्रांसपेरेंट विद इन्फॉर्मेशन अबाउट पार्टी एक्टिविटीज एंड फाइनेंसेस मेड पब्लिकली अवेलेबल। अब पार्टी के एक्सपेंडिचर फाइनेंसेस पब्लिकली तो छोड़िए, वो अपनी खुद की पार्टी के सारे मेंबर्स के सामने भी नहीं रखते कि कहाँ के इलेक्शन में कितना खर्चा आया, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके, दीज फॉर्म द की कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। चैलेंजेस क्या है इसमें? सबसे पहला चैलेंज है कंसंट्रेशन ऑफ पावर। लाइक इंदिरा गांधी जी की, नेहरू जी या आज की मोदी और शाह की बात कर लीजिए, पूरी पावर एक या दो लीडर में कंसंट्रेट होती है, वही सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं किसको सीएम बनाना है, किसको क्या बनाना है। अभी जैसे हमने देखा मध्य प्रदेश में मोहन यादव बने, ठीक है, कोई नहीं जानता था उनके परफॉर्मेंस का, ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि वो क्वालिफाई करें कि सीएम बने। उसी तरीके से राजस्थान में फर्स्ट टाइम एमएलए थे ये, जो भी सीएम बने हुए वहां पे शर्मा जी, ठीक है, बट इनको डायरेक्टली पार्टी लीडरशिप ने डिसाइड किया कि आपको सीएम बनेंगे। ओके, तो दी थिंग इज कि वन और टू लीडर्स यही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं, ना तो विधायकों ने डिसाइड किया कि किसको सीएम बनाना है, ना ही पार्टी के अदर मेंबर्स ने डिसाइड किया। करिश्मेटिक लीडरशिप, अब चाहे हम एमजीआर की बात कर लें, एंटी रमा राव, मायावती जी को देख लें, ये सब लोग हैं जिन्होंने अपने कैरिश्मा की दम पे पार्टी को खड़ा किया एंड उन्हें लगता है कि वही लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनने के लायक है। यानी कि पार्टी की पहचान उसकी आइडियोलॉजी या उसके कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है, उस पार्टी की पहचान सिर्फ उसकी करिश्मेटिक लीडरशिप से है। जब तक वो लीडर है तब तक ठीक, उसके बाद फिर प्रॉब्लम। जैसे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, बस उसी से जानते हैं लोग। डोमिनेंस ऑफ एलिट्स, अब हर पार्टी में कुछ स्मॉल ग्रुप होते हैं एलिट्स के, जो डोमिनेट करते हैं पार्टी को, लिमिटिंग इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्डिनरी मेंबर। अब जो ऑर्डिनरी मेंबर है वो किसी काम का नहीं रह जाता फिर। फैक्शनलिज्म, फैक्शनलिज्म का सबसे स्ट्रॉन्ग एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा पोस्ट असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। उसके बाद कांग्रेस में काफी फैक्शनलिज्म डेवलप हो गए थे। उसके बाद रिक्वेस्ट किया गया था सोनिया गांधी को कि आप आइए एंड पार्टी की कमान संभालिए, क्योंकि यहाँ पर फैक्शनलिज्म जनरेट हो रहा है। जैसे कि नरसिम्हा राव थे, ठीक ठाक सरकार चलाई थी, अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के टिकट्स काट दिए थे जो करप्शन में इन्वॉल्व रहे काफी हद तक, जैसे फॉर एग्जांपल माधवराव सिंधिया। ऐसे कई लीडर्स थे बड़े जिनके टिकट इन्होंने कैंसिल कर दिए थे, और इन सब लीडर्स ने ये कोलाइड किया कि इनको हराना है, खुद की पार्टी के ही लीडर को हराया एंड खुद प्राइम मिनिस्टर रहते हुए नरसिम्हा राव जी चुनाव हार गए थे। ओके, तो ये फैक्शनलिज्म बढ़ जाता है अगर आपका ऊपर बैठा हुआ लीडर उतना पॉपुलर या पावरफुल नहीं है। जैसे आज जो महाराष्ट्र सरकार में हुआ शिवसेना में, ये चीज बाला साहेब ठाकरे के टाइम आप नहीं सोच सकते थे कि कोई शिंदे अलग ग्रुप बना के चला जाएगा पार्टी से, नहीं, उनके टाइम नहीं जा सकते थे। लेकिन उनके जाने के बाद जब उस पार्टी को टेक ओवर किया यहाँ पर उनके बेटे ने, तब लोगों में इतनी हिम्मत आई कि ठीक है अब तो हम फैक्शंस बना सकते हैं। बाला साहेब ठाकरे के टाइम ये पॉसिबल नहीं था। करप्शन, करप्शन विद इन पार्टीज कैन इरोड पब्लिक ट्रस्ट एंड अंडरमाइन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स।
ठीक है, कई बार लगता है कि यार ऊपर बैठे हुए पार्टी पे लोग करप्शन कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पार्टी के लिए मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। सॉरी, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन। इफ देयर इज लो लेवल ऑफ मेंबर पार्टिसिपेशन ना, तो आप अल्टीमेटली क्या होता है कि आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो ग्राउंड लेवल से। जैसे आज बीजेपी पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो चुकी है, नीचे के जो पार्टी मेंबर्स हैं उनकी सुन नहीं रही है, और ऊपर बैठे हुए लोगों को लग रहा है कि मीडिया अपने कंट्रोल में है तो अपन प्रोपेगेंडा चलाते रहेंगे, हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, पाकिस्तान चाइना के नाम पर हम लोग जीते रहेंगे। बट वो ग्राउंड लेवल पर इस चीज से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं कि कितना मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त है, खासकर एजुकेटेड यूथ के लिए। ठीक है, तो ये जो डिस्कनेक्ट है ये तभी होता है जब आपके जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता इन दी डिसीजन मेकिंग। वायलेशन ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप मेंबरशिप का रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग नहीं कर रहे हो टाइमली, यू आर नॉट कंडक्टिंग द इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली, तो वो माना जाता है वायलेशन ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगेन लॉ कमीशन के पास ऐसी, सॉरी इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि आपने आपका पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट किया है तो हम आपको डीरजिस्टर कर रहे हैं। ओके, हालांकि इनको कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी सबमिट करनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन को कि ये हमारी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है। लैक ऑफ लॉ, करेंटली देर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन फॉर इंटरनल डेमोक्रेटिक रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, एंड द ओनली गवर्निंग लॉ इज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, विच प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, हाउएवर इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव एनी स्टेचुटरी पावर टू एनफोर्स इंटरनल डेमोक्रेसी, दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, इसलिए ये डिमांड की जाती है कि स्टैट्यूटरी लॉ बनाया जाए इसके लिए जिससे इंटरनल डेमोक्रेसी एंश्योर की जाए। सॉरी, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब इसमें इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है वो एग्जामिन कर लेते हैं। फर्स्ट इज, इलेक्शन कमीशन का मोस्टली काम लिमिट है रजिस्टर करने तक। पॉलिटिकल पार्टी आपको बनानी है, आप रजिस्टर करा सकते हो। ओके, आपको लीगल रिकॉग्निशन मिल सकता है एज अ पॉलिटिकल पार्टी एंटिटी। फंक्शनल मॉनिटरिंग, इलेक्शन कमीशन कैन मॉनिटर वेदर पॉलिटिकल पार्टीज आर फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन या बायलॉज जो बनाए गए हैं, थ्रू पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ कंप्लायंस। रिव्यू कर सकता है कंप्लायंस के लिए, लेकिन अगर उसको ये दिखे भी कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा उनका पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन है उस अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो भी कोई एक्शन नहीं ले सकता इलेक्शन कमीशन। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इलेक्शन कमीशन हैज पीरियोडिकली यूज गाइडलाइंस इशूड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अंडर सेक्शन 29A, जो हमने ऊपर देखा, ऑफ आरपी एक्ट 1951, टू रिमाइंड पार्टीज टू कंडक्ट इलेक्शन एंड एंश्योर दैट देयर लीडरशिप इज रिन्यूड, चेंज और री इलेक्टेड एवरी 5 ईयर। अगर पार्टी स्प्लिट का केस हो तो, जैसा महाराष्ट्र की शिवसेना में हुआ, तो इस केस में यहाँ पर 4 स्टेप टेस्ट करती है इलेक्शन कमीशन अंडर सिंबल ऑर्डर 1968। फर्स्ट, कौन सा फैक्शन है जो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा है, ठीक है, या पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं ये लोग। सेकेंड इज, मेजोरिटी ऑफ द पार्टी, कौन से फैक्शन के पास मेजोरिटी है, कौन से फैक्शन में ज्यादा एमएलए या एमपी हैं जो इलेक्ट होके गए हैं, एंड प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू द बायलॉज, और कोई बायलॉज के अकॉर्डिंग क्या स्टेप लेना चाहिए। ये 4 लेवल पे टेस्ट करने के बाद ही डिसाइड किया जाता है कि कौन सा फैक्शन रियल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे शिवसेना उस ग्रुप को दे दी गई दूसरे को, ठीक है, और उद्धव ठाकरे वाला जो ग्रुप था उसको रियल सिंबल नहीं दिया गया। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर इलेक्शन कमीशन, उसकी चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसके पास बहुत ही लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है। इट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर इलेक्शन फॉर पब्लिक ऑफिसर, बट देयर अथॉरिटी ओवर इंटरनल पार्टी मैटर्स इज ऑफन लिमिटेड। जुडिशियल रूलिंग 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद रेस्ट्रिक्ट कर दिया था इलेक्शन कमीशन को फ्रॉम गोइंग इनटू पॉलिटिकल प्रोसेस एंड एनीथिंग व्हिच इज पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी कि उनका इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करना है। नो डी रजिस्ट्रेशन पावर, डी रजिस्ट्रेशन की पावर नहीं दी गई है कि अगर सपोज वहां पर इलेक्शन नहीं भी कराए जा रहे हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी फॉलो नहीं भी की जा रही है, तो इसके पास पावर नहीं है। इसने लॉ कमीशन सॉरी लॉ मिनिस्ट्री से बार बार डिमांड की है कि हमें इस तरह की पावर दी जाए। इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हेन इलेक्शन कमीशन बिकम पॉलिटिकल, इट बिकम ससेप्टेबल टू वेरियस पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम विच इट शुड मेंटेन ए डिस्टेंस। पार्टी अटोनमी, पार्टीज ऑफन असर्ट देयर अटोनमी एंड रेसिस्ट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इवन व्हेन देयर इंटरनल प्रोसेसेस मे बी अनडेमोक्रेटिक। पार्टीज खुद भी नहीं चाहती कि इलेक्शन कमीशन इंटरफेयर करे उनके काम में। लिमिटेड रिसोर्सेज, इलेक्शन कमीशन के पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं है, ना उतने पर्सनल हैं टू इन्वेस्टिगेट एंड एड्रेस
कंप्लेन्स ऑफ अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस विद इन पार्टी, क्योंकि जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो यही कहेगा कि ये डेमोक्रेटिक वे में हुआ ही नहीं है डिसीजन, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन के पास इतनी मैन पावर है ही नहीं कि वो सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट कर सके हर कंप्लेन को। सो नाउ फर्दर हम लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं, फर्स्ट इज एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेना होगा फॉर डिलीवरिंग इलेक्शन ऑन स्टिपुलेटेड टाइम, दैट टू इन ए फ्री एंड फेयर मैनर। सपोज कि आपके जो पार्टी प्रेसिडेंट है उनको हो गए 5 साल, अब आप रिन्यू नए आदमी को सिलेक्ट कीजिए। वी कैन एजुकेट द इलेक्टोरेट टू कंसिडर इंटरनल डेमोक्रेसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फाइल वोटिंग फॉर ए पार्टी। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब इलेक्शन टाइम कहा था कि आप लोग फोन करके बताइए कि हम किसको सीएम बनाएं, राघव चड्ढा या फिर भगवंत मान। ओके, फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने फोन कॉल्स आए और लोगों की चॉइस भगवंत मान है, तो उन्होंने बनाया। तो वो तभी हो सकता है जब पब्लिक उतनी असर्टिव हो कि हम उस पार्टी को वोट करेंगे जो अपने अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी फॉलो करती हो। डेवलप क्लियर एंड स्पेसिफिक लॉज एंड रेगुलेशंस गवर्निंग इनर पार्टी डेमोक्रेसी। ये एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि इसके लिए प्रॉपर एक लॉ बनाया जाए कि किस तरीके से एक यूनिफॉर्म लॉ जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज पर इक्वली अप्लाई होगा। इलेक्शन कमीशन शैल बी कॉम्पिटेंट टू इंक्वायर इन टू एलिगेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद एनी ऑफ द प्रोविजन रिक्वायरिंग इलेक्शन, एंड इट शुड हैव द पीनल पावर टू डी रजिस्टर ए पार्टी अंटिल फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द पार्टी इज कंडक्टेड। ओके, तो ये चार आपके फर्दर स्टेप्स आप भी फॉरवर्ड में लिख सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।